जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, रामचरितमानस का बालकांड लेके आपके सामने, जिसमें कि तीन भाग हो चुके हैं, चौथा भाग अब। बालकांड रामायण की संपूर्ण कहानी की रूपरेखा की शुरुआत यहीं से है। कहां से? बालकांड से। धार्मिक दृष्टि से रामायण के बालकांड बहुत महत्वपूर्ण है। बालकांड को पढ़ने से महापीड़ा और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। किससे मुक्ति मिलती है? महापीड़ा और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, यानी सभी दुख दोष और पीड़ा मुक्त हो जाते हैं बालकांड से। चलें अपनी चौपाइयों की तरफ। जय सियाराम। बहुरे बंदे खले गने सत भाए, जे बिनो काज दाए ने उबाए, परिहित हान लाभ जिन के रे, उजरे हर से विषाद बसीरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। दुष्ट लोग क्या करते हैं कि दूसरों के हित, दूसरों का अच्छे कामों में हानि पहुंचाना। बहुत से लोग होते हैं ना कि अच्छे कामों में हानि पहुंचाते हैं कि कैसे भी इनका काम बिगड़े। उनकी दृष्टि में तो वो बहुत अच्छा काम होता है, तो जिनकी दृष्टि में लाभ है उनके लिए वो लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष यानी खुशी होती है और बसने में विषाद यानी कि दुख होता है। बहुत से ऐसे होते हैं ना, किसी का घर बनते हुए देख लें तो बस है ये बन क्यों रहा है, या अच्छे कोई भी काम ए टू जेड कोई भी अच्छे काम जो हो कैसे रहे हैं, तो वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो उसमें उनका लाभ, वो अपना लाभ समझते हैं इस बात को, इसमें हमारा लाभ होगा। कोई भी दूसरे को बता हुआ देखना नहीं चाहता, सब अपने में लग के हम भरे। सिर्फ जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो वो यही सोचते हैं कि सिर्फ हम भरे, हमारे यही सुख, सारी सुख सुविधाएं हो, दूसरे के यहाँ सुख सुविधाएं कुछ भी ना हो। बुरे लोग ऐसा सोचते हैं। हरे हरे जसरा के सिराओ से, परे अकाज बट सहस बाओ से, जी परे दोष लगे सहसा की, परिहित घिरत जीन के मन माखी। हरे हरे जसरा के सिराओ से, परे अकाज बट सहज बाहु से, जी परे दोष लखई से साखी, परिहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। सुनिए, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में घिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है। ये अर्थ बता रहे हैं बुरे लोगों की बातें। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं, चाहे उनकी हानि हो रही है काम बिगाड़ने में, पर लेकिन दूसरों का काम बिगड़ जाए, चाहे दूसरों के काम बिगाड़ने में खुद की मौत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि घी में मक्खी मर जाती है, उसी तरीके से यहां पर यह बात बताई गई है।
किसानों रोसे मई से सा अब गुण धन धनी धनी सा उदय के समोहित सभी के कुंभकरण सम सोबतनी के तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। एक एक शब्द सुनना कितना अच्छा दिया हुआ है, कितना सीख हम सबको मिल रही है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकरण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। सीख कितनी अच्छी सीख मिली। जब तक हम अर्थ नहीं सुनेंगे तब तक हमें सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। पैरिया का जो लगे तनो पैरी है रही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदो खल जस से सरोसा सैस बदन पर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी कि हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुने प्रने बहु प्रथुराज समाना पर अग सुन ही सहस दस काना बहुरी शक्त सम बिन बहुते ही संतत सुरानी के हित जेही। पुनः उनको राजा प्रथु जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा यानी कि मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बरजी जेही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर बचन रूपी बर्ज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दोषों को देखते हैं। उदासीन अरे मीत हित सुनत जरई खली रीत जान पान जुग जोर जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। ये हुआ हमारा चौथा भाग। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें। जय सियाराम।